बाबुल की लाडली चिरैया आज अपने साजन का हाथ थाम कर उसके घर जाने को तैयार है। गुलाबी कलर के इस शादी के जोड़े में आपने अगर इस दुल्हनिया को ना पहचाना हो तो आपको बता दें, ये कोई और नहीं बल्कि पोरस की होने वाली पत्नी है, जो आज अपनी असल जिंदगी में दुल्हन बनकर शादी के बंधन में बंधने वाली है। Lot of excitement. शायद हर लड़की का सपना होता है ये दिन, and I'm very happy कि बहुत ही धूमधाम से ये celebrate हो रहा है। शादी की शुरुआत हुई नाचते गाते, जहाँ दूल्हे मियाँ अपने बरातियों के साथ नाच रहे थे, वहीं दुल्हनिया बारात के इंतजार में अपने घर वालों के साथ ठुमके लगा रही थी। मैंने सोचा कि हमेशा हम बैठे रहते हैं, लड़के का इंतजार करते रहते हैं, तो क्यों इससे अच्छा हम भी धमाल करें, हम भी मस्ती करें। वैसे सुहानी, सच कहें तो इस गोल्डन एंड पिंक कलर की ये वेडिंग ड्रेस में आप बेहद ही खूबसूरत लग रही हैं। आपकी सादगी ने आपकी खूबसूरती को और भी निखार दिया है। ज्वेलरी एसेंशली मैं भरतनाट्यम और साउथ इंडिया से बहुत अटैच्ड हूँ, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं मैं भरतनाट्यम डांसर भी हूँ। तो हमने ऐसी ज्वेलरी सेलेक्ट की जो मुझे आगे जाके मेरे डांस परफॉर्मेंसेज में भी काम आए, इसलिए प्योर साउथ इंडियन टेम्पल ज्वेलरी सेलेक्ट की है। अलॉन्ग विद दैट द आउटफिट इज़ अ ब्राइट पिंक। हमारे में ट्रेडिशनली वाइट पहनते हैं, पर मुझे कलर बहुत अच्छे लगते हैं, सो आई थॉट दैट सूटिंग माय पर्सनालिटी फाइन हैप्पी कलर चूज करूंगा। दूल्हे मियां की नाक खींचने की रस्म के साथ हुई शादी की शुरुआत। के बाद इन दोनों ने ही दिए एक दूसरे को वचन और पूरी कर ली सारी रस्में। शादी तो हो गई, पर अब वो पल आ चुका है जो हर दुल्हन को भावुक कर जाता है। अब सुहानी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वैसे इस शादी में पोरस की पूरी टीम तो नहीं आ पाई,
लेकिन सुहानी के कुछ दोस्त ऐसे थे जो अपने शूट के बाद इस शादी में शामिल होने के लिए और सुहानी को ढेर सारी बधाई देने पहुंचे थे। I still can't believe that you know she's married and I'm so happy. We both are really happy for जब her. Actually उसके सिंदूर हो रहा था, सर रस्में हो रही थी, तो we're like कि सच में इसकी शादी हो रही है। I had to come for her wedding and wish her and bless her because she's a very very sweet person. अभी अभी मिले हैं but वो इतनी अच्छी है कि आई हैड टू कम। शादी और विदाई के बाद बारी थी रिसेप्शन की, जहां पर सुहानी ग्रे कलर के इस अटायर में अपने बेटर हाफ को कॉम्प्लीमेंट कर रही थी। सुहानी आपको और प्रथमेश को इस नई जिंदगी की शुरुआत के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।